पता है कि जनवरी साल का पहला महीना कैसे बना और मार्च साल का पहला महीना कब हुआ करता था? और कोई ऐसा भी साल था जो 445 दिन का था? अगर नहीं तो वीडियो कमेंट तक देखिए। शुरू करते हैं इंट्रो। सबसे पहले आपको बता दें कि पुराने जमाने में जब रोमन कैलेंडर हुआ करता था तो सिर्फ साल में 10 महीने ही होते थे। कुछ समय बाद 713 ईस्वी में जनवरी और फरवरी को ऐड किया गया और सबसे पहले 153 ईस्वी में 1 जनवरी को नया साल माना जाने लगा। 45 ईस्वी में जब रोम के तानाशाह जूलियस सीजर द्वारा जूलियन कैलेंडर का निर्माण किया गया तो उसमें इस सिलसिले को बरकरार रखा गया कि 1 जनवरी ही साल का पहला महीना होगा। इस वजह से उन्हें उसका पिछला साल यानी कि 46 ईस्वी को 445 दिन का करना पड़ा था। कैसा लगा ये फैक्ट कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना और थैंक्स फॉर वॉचिंग।